मुरादाबाद में सपा के लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा के कार्यक्रम में पार्टी मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पहुंचना है। इससे पहले शहर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में सपा लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने मुरादाबाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जनसभा स्थल तक लोगों को पहुंचने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग मंच तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका जा रहा है। इसके बाद उन्होंने मंच से पुलिस को औकात में रहने की नसीहत दे डाली। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने मंच से कहा कि मैं 2 मिनट के लिए आपसे खामोश रहने की दरख्वास्त करती हूं। मैं अपनी आंखों से खुद देख पा रही हूं कि पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग लगी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को रैली स्थल की सीमा पर रोका गया है। सपा प्रत्याशी ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी उनके और समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस के लोगों को यहां से हटाने का काम कर रही है। रुचि वीरा ने कहा कि पुलिस अपनी औकात में रहे, पुलिस उनके लोगों को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी का एजेंट और दलाल बनने का काम ना करे, पुलिस अपनी नौकरी और देश के साथ वफादारी नहीं कर रही है। दरखास्त करती हूँ, मैं अपनी आंखों से खुद देख पा रही हूँ और पूरे